1980 में जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से विवाह करना था, तब उस समय उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक नहीं दिया था, जिसके चलते धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया, जिसकी मीडिया में काफी आलोचना हुई। वर्ष 2004 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान उनके द्वारा एक विवादास्पद बयान दिया, जिसकी काफी आलोचना हुई। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि उन्हें भारत का प्रशासक बना देना चाहिए, ताकि वह यहाँ के नागरिकों को शिष्टाचार, नैतिकता के उन नियमों को सिखा सके जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।